प्रदेश के मुरादाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ने अभिभावकों के होश उड़ा दिए हैं। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोग पहुंचे और सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का आरोप था कि सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रग्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते देश की भावी पीढ़ी जानलेवा नशे की गर्त में जा रही है। इन प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को भी मीडिया के सामने रख दिया। छात्र अपनी क्लास में बैठा हुआ ड्रग्स की सिगरेट तैयार करता हुआ साफ नजर आ रहा है। यह वीडियो भी उस समय बनाया गया है जब क्लास में टीचर मौजूद है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से अभिभावक जरूर सकते में आ गए हैं, क्योंकि अगर इस वायरल वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ये मुरादाबाद के लिए खतरे की घंटी है। और अब मुरादाबाद प्रशासन को जल्द से जल्द मामले की पड़ताल करते हुए देश के भविष्य को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने के लिए जांच करानी चाहिए। जी, मेरा नाम सैयद मुश्तबा अली है। कहाँ पढ़ते हैं आप? जी, मैं सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ता हूँ। कौन से क्लास में? मैं इस साल मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, 12th में आ रहा। अच्छा, किस लिए आपने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर? हमने प्रोटेस्ट किया है, स्कूल के अंदर कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था बच्चों के द्वारा, जिस पर स्कूल के मैनेजमेंट ने कोई सख्ती से इस पर कार्रवाई नहीं की। हमने कई बार उनको इस चीज़ के बारे में जताया मगर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं करा। हमसे कहा गया कि क्या बोलते हैं, आप अपने काम से काम रखो, जो हो रहा है उसे ऐसे ही होने दो। किसने कही ये बात आपसे? ये बात हमसे खुद माननीय प्रिंसिपल जी ने कही। अच्छा, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल? वहाँ पर चरस, गांजा, स्मेक, ड्रग्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये वीडियो जो वायरल हुआ है, स्ट्रीम हुआ, ये इसमें क्या, किसने वायरल किया और क्या, कैसे पता चला? जी, ये कुछ स्कूल के ही बच्चे हैं जो इस चीज़ को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं कि इसमें बहुत बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। उसके लिए उन्होंने हमारा साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए और हम आपके साथ हैं। और ये सबूत उन्होंने हमें सबूत के तौर पर कि आप इस बात को रखेंगे तो प्रूफ भी होना चाहिए, तो हमने एक प्रूफ के तौर पे उस चीज़ को रखा। अच्छा, इस पर किसी आला अधिकारी से मिले आपने कंप्लेंट की? जी हाँ, हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है आज और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई आश्वासन मिला कमिश्नर साहब की? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इस पर जाँच करूँगा और जो भी इसमें न्यायिक आपको जाँच होगी उसके खिलाफ आपको पूरा पूरा न्याय किया जाएगा आपके साथ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि स्कूल के अंदर जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि बच्चे का मुस्तकबिल वहाँ बनाने जा रहा है और वो उसकी वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब काम हो रहे हैं जिससे उसकी बॉडी पर भी इसका असर होगा, तो मुस्तकबिल क्या बनेगा बच्चे का। अच्छा, इस तरह के प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं या पहली बार ऐसा मामला हुआ? जी, हमने नेशनल जो आवाज़ अब उठाई है, हमने स्कूल मैनेजमेंट को कई बार इस बारे में बताया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार रंगे हाथे बच्चों पकड़े भी गए, उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कौन से स्कूल का मामला? ये सेंट पॉल कॉलेज सिविल लाइन मुरादाबाद। मुरादाबाद में सेंट पॉल स्कूल सिविल लाइन में है इंटर कॉलेज, उससे मुतालिक बहुत टाइम से ये चल रहा है मामला कि यहाँ पर जो है बच्चों को नशे की आदत डाली जाती है। और आज हमने मंडल आयुक्त जी को बाकायदा बच्चों के साथ जाकर, इससे कि मैंने कहा कभी बच्चे अकेले पड़ जाए तो मुझे खुद जाना पड़ा इसे, और जाकर मंडल आयुक्त जी से बात करी। उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे और हमारा एक रजिस्ट्री हमने मुख्यमंत्री जी को बाकायदा, उसकी क्लिप भी है उसके साथ में, सीडी के साथ हम भेज रहे हैं और उसकी पूरी हम जाँच कराएँगे। उन्होंने ये किया है तो उसमें जो बच्चे विरोध कर रहे थे ड्रग्स का और नशे का, उसमें उन बच्चों को उन्होंने निकाल दिया स्कूल से और उन्हें फेल कर दिया 11 में। ये उनको बहुत बढ़िया इनाम मिला है। अभी देखना है हमें कि हमारा शासन और प्रशासन कितना ईमानदार होता है और कितना न्याय करता है, इसका हमें इंतज़ार है। हमें मुख्यमंत्री से भी हमारी गुहार लगी है, वहाँ भी हमने ऊपर नेशनल चैनलों को भी ये सब भेज दिया है। हमें पूरी लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों का भविष्य सही करना है, आगे के लिए इसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जितने भी सेंट पॉल के अंदर, एक एक बच्चा चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी को भी बच्चे को नशा नहीं देना चाहिए उसको, और कोई भी अगर इसका वो करवाएगा तो न्याय के हित में काम करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, और पूरी पूरी ईमानदारी से जांच करवाई जाए। मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, डॉक्टरों की टीम जानी चाहिए वहाँ अंदर और वहाँ देखे जाके वहाँ लेटरिन बाथरूमों में सब में पता चलता है कि वहाँ पर तमाम मैं एक हमारे पास वायरल हुई भी है, हमारे पास सीडी आई है, क्लिप है हमारे पास, वो हमने ऊपर
चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे। से एबीएन समाचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।